हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा इस मात्र 68 रुपए का शेयर है और ये एक होटल इंडस्ट्री का शेयर है। इस होटल ने किया है अभी जॉइंट वेंचर किया है एक बाहर की फर्म के साथ और 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप सोचिए, खुद सोचिए कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये सब मिलके 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा है इस चीज़ से? तो क्या आप खरीद सकते हैं इसके शेयर को और मिल सकता है आपको भी इनके इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न इनको मिलेगा? तो डेफिनेटली हर शेयर होल्डर को वो मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस जॉइंट वेंचर के बारे में, इस 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बारे में इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए, ये होटल कोई और नहीं, लेमन ट्री होटल्स है। आप जाइए lemontreehotels.com पे जाइए, वहाँ पे आप देखिए इस होटल से कितने कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं, कहाँ कहाँ इसके ये पूरी चेन है, जो कहाँ कहाँ इंडिया में कौन से सिटीज़ में ये होटल अवेलेबल है। देखिए अहमदाबाद कहें, चंडीगढ़ कहें, गाजियाबाद कहें, कटरा कहें, सिलीगुड़ी कहें, श्रीनगर, केरला, चेन्नई, अलवर, मतलब सारी जो सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट, देखिए बड़ी बड़ी सिटीज़ tier 1, 2, 3, देखिए सब में इसके जो है होटल ये अवेलेबल है। ये तो होटल की बात होगी, अब देखिए सर्विस सूट की बात कही आप या फिर अपकमिंग होटल्स की बात कही जो आने वाले टाइम में है, जैसे कि अलीगढ़, अलवर, अमृतसर, बोकारो, मतलब बहुत सारी जगहों पे आने वाले टाइम में इसकी और भी ब्रांचेज ओपन होने वाली है। तो और आप सोच रहे होंगे ये शेयर मार्केट में कब आया ये स्टॉक, ये होटल? तो शेयर मार्केट में अभी कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुआ है, ज़्यादा समय इसको हुआ नहीं है। तो आप देखिए जब ये लिस्ट हुआ था, इसके परफॉर्मेंस वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर के बारे में। तो देखिए ये न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है स्टॉक मार्केट की, लेटेस्ट न्यूज लेमन ट्री होटल और जो कंपनी है वॉरबर्ग पिंसस नाम से है, ये दोनों जॉइंट वेंचर बनाने वाली है। 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनिशियली 1500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे। और देखिए अब आप सोच रहे होंगे भैया ये लेमन ट्री होटल तो ठीक है, लेकिन ये कंपनी जो वॉरबर्ग पिंसस है ये क्या करती है? और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बनाएंगे टू डेवलप रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे 3000 करोड़ के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी टाइम लगाएंगे। अब देखिए ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब उस जॉइंट वेंचर में जो होल्डिंग होगी वो किस परसेंटेज वाइज होगी? तो 60% होल्डिंग जो होगी वो लेमन ट्री की होगी एंड 68% होल्डिंग जो लेमन ट्री की होगी, 30% जो है वो वॉरबर्ग की होगी। चलिए बढ़िया बात है। अब बाकी के बचे 2%, तो बाकी के बचे 2% जो होंगे टू बी हेल्ड बाय लेमन ट्री फाउंडर, चेयरमैन एंड एमडी पतंजलि केसवानी, जो पतंजलि केसवानी जी है लेमन ट्री के जो फाउंडर चेयरमैन है या एमडी है, उनकी होगी बाकी की 2%। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी न्यूज है लेमन ट्री के इन्वेस्टर्स के लिए भी, लेमन ट्री के लिए भी, और जो जॉइंट वेंचर बनने जा रहा है उसके लिए एक पॉजिटिव एक बात है। चलिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये अभी इनका जो एम है लेमन ट्री का, जो एक कोई भी कंपनी अगर होती है अपनी एक फ्यूचर का एक टारगेट लेके चल रही, तो ये देखिए आवर एम इज टू ऑपरेट 1 लाख वेब बेड्स इन नेक्स्ट 7 ईयर्स, केसवानी जी कह रहे हैं भैया हमारा ये एम है, तो अच्छी बात है। और अब जो जो जॉइंट वेंचर है उसका क्या काम है? जॉइंट वेंचर क्या करेगा, कंपनी एंट्री इनटू एन एडजेसेंट बट न्यू बिजनेस सेगमेंट, एक नया बिजनेस सेगमेंट होगा ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ग्रेड रेंटिंग हाउसेज, मतलब जो जैसे हॉस्टल काइंड ऑफ कहते हैं, जैसे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी रह सकते हैं या फिर यंग वर्किंग प्रोफेशनल रह सकते हैं अक्रॉस मेजर एजुकेशनल क्लस्टर, जहाँ पे होता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस तरीके से ये हाउसिंग जो है रेंटल हाउसिंग सेगमेंट वहाँ पे बनाने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया ये एक खबर है। तो अब देखते हैं आगे इसके बारे में और जानते हैं। तो देखिए लेमेंट्री, अगर आप न्यूज़ देखोगे और भी इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ देखोगे, मनी कंट्रोल पे न्यूज़ देखोगे, तो आपको ये मिलेगा कि भैया ये दोनों जॉइंट वेंचर करने वाले हैं ये परसेंटेज पे। चलिए थोड़ा बहुत और जान लेते हैं हम किसके बारे में, लेमन ट्री के बारे में। अब जैसा मैंने आपको बताया था लेमन ट्री होटल, अगर हम देखें अभी आज की डेट में इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो देखिए 30% के अराउंड प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है, 68% के अराउंड अभी पब्लिक इसमें होल्डिंग है। और जब ये आया था उसके टाइम पे देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसको बाय कर रखा है, चाहे डेलवेज की स्कीम्स की कहें, SDFC स्मॉल कैप फंड्स की कहें, SBI के डेट फंड्स की कहें, और SBI लार्ज मिड कैप फंड्स की कहें, तो बहुत सारी स्कीम्स ने इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बना रखी है। अब एक नज़र डालिए आप लेमन ट्री, ये अगर ग्राफ देखें जब लिस्ट हुआ था, देखिए अप्रैल
2018 में लिस्ट हुआ था। जब लिस्ट हुआ था उस टाइम पे प्राइस ऐसे 57-58 के अराउंड था, और उसके बाद उछल गया एकदम ही, मतलब 23 अप्रैल को इसका प्राइस जो है 90 रुपये तक चल गया। फिर भैया वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई वापस मई तक, ये वापस 21 मई तक फिर 60 रुपये के अंदर आ गया, फिर उछला, फिर वापस गया ये 85 तक, फिर वापस धीरे धीरे नीचे आ गया 66 के अराउंड चला गया। तो एक स्ट्रॉन्ग जो बेस है इसका वो एक 66-67 रुपये के अराउंड का स्ट्रॉन्ग बेस है। ये देखिए 66-67 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अभी उसी बेस के आसपास ये डोल रहा है। तो आप देखिए मतलब इसके इरादे बहुत ज़बरदस्त हैं, लेमन ट्री होटल के इरादे बहुत ज़बरदस्त हैं। कोई भी शेयर अगर नया होता है मार्केट में, अगर उसके इरादे बहुत ज़बरदस्त होते हैं तो फिर उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। आप देखिए ये शेयर अभी भी, मैं ये कहूँगा जो इसकी अभी की रेंज है, देखिए आया अभी आया है कितने महीने, एक साल भी पूरा नहीं हुआ जो ये रेंज है ना ये वाली, तो ये बहुत मतलब एक रेंज, एक सॉलिड, अभी ज़्यादा टाइम हमारे पास टाइम फ्रेम है नहीं, मात्र 6-7 महीने का टाइम फ्रेम है, तो उस टाइम फ्रेम में मैं यही कहूँगा कि भाई 60-70 की रेंज में ये एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से ये जॉइंट वेंचर करने जा रहा है, नए सेगमेंट में ये इन्वेस्ट करने जा रहा है, जो हाउसिंग रेंटल वाले सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो बहुत बढ़िया वो सेगमेंट है। और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से सोचें, आजकल लोग अगर घर की बात करें, जैसे अगर आप एज अ स्टूडेंट कहीं पे पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे रेंटल मतलब काफ़ी टफ भी हो जाता है, और सीधे सीधे यहाँ पे फर्निश्ड हाउसेस प्रोवाइड करेंगे जो इनका जॉइंट वेंचर का मकसद है। तो उस तरीके से एक सेगमेंट, एक नया बिजनेस सेगमेंट ओपन करने जा रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में डाउन द लाइन 5 या 10 ईयर के अगर आप देखें तो इस सेगमेंट में अच्छा खासा ये एक कर सकता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल है इस सेगमेंट में, मुझे ये लग रहा है। तो अच्छा सोचा है इन्होंने और ये दिख भी रहा है। शेयर का प्राइस अभी ज़्यादा, मतलब अगर आप इसका लो देखें अराउंड यही इसका 60 से लेकर 70 के बीच में लो है, यही रेंज अभी इसकी बाइंग की दिख रही है अभी। लेकिन अगर आपको ये 60 से नीचे मिलता है, मतलब इन लेवल्स का कहीं पे मिल जाता है 58 की रेंज में भी, बहुत मतलब ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट इस रेंज में भी मिलता है तो बहुत बढ़िया भाई, तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो और टारगेट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डाउन द लाइन 5 और 10 साल के हिसाब से टारगेट लगा सकते हो। चलिए एक नज़र हम डालते हैं लेमन ट्री होटल्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था भैया, डेवलपिंग, ओनिंग, एक्वायरिंग, ऑपरेटिंग, मैनेजिंग, रिनोवेटिंग, प्रोमोटिंग होटल्स, मोटेल्स, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट, ये सारा इसका काम है। ब्रांड नेम जो है आपको पता ही होगा लेमन ट्री, अगर सर्च भी करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी, पूरी चेन मिल जाएगी लेमन ट्री की। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000-5,500 करोड़ के अराउंड है, बुक वैल्यू मात्र 10 रुपये की है और करंट प्राइस 68 के अराउंड है। अगर इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी तक देखोगे तो 5-5.5% के अराउंड है। अब ये भी इन चीज़ों को मत देखिए, मेन चीज़ सेल्स ग्रोथ देखिए। अगर पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ की एवरेज ली जाए तो वो 18.5% के अराउंड है, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ दिख रही है। सेल्स फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये की है, और अगर इस स्टॉक में मैं आपको चार्ट, जैसे मैंने आपको बताया भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अप्रैल से आया था, तो वही चार्ट जो है बिल्कुल 60-70 के रेंज में घूम रहा है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें लेमन ट्री की, तो आप खुद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। सेल्स की फिगर मार्च 2015 में 290 करोड़ का सेल्स का डाटा था, मार्च 2016 में 367 करोड़ के अराउंड का था, फिर 412 करोड़ हुआ मार्च 2017 में, और मार्च 2018 में 484 करोड़ होके अभी का अराउंड 520 करोड़ का है। तो पिछले 3 साल में सेल्स में कॉन्टीन्यूअस जो है ग्रोथ दिख रही है, इट मीन्स एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड दिस जॉइंट वेंचर विल हेल्प टू ग्रो दिस पॉजिटिव इंटू वेरी पॉजिटिव। देखिए आप बहुत बढ़िया बेहतरीन सेल्स का डाटा कहूँगा मैं इसको। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में देखिए जैसे इन्वेस्टमेंट लगी होगी होटल चेन में, तो यहाँ पे लॉसेस शो कर रखे थे। अब लॉसेस भी देखिए, अब 63 करोड़ का लॉस शो किया था, फिर 26 करोड़ का, फिर 6 करोड़ का, और अब ये लॉस खत्म। अब भाई पॉजिटिव वो पॉजिटिव, अगर होटल इंडस्ट्री में जो चेन होती है भाई, स्टार्टिंग में जब इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है तो लॉसेस तो शो होंगे होंगे आपको। अब देखिए 2018 में 15 करोड़ का प्रॉफिट, अब की डेट में देखिए यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 29 करोड़ का अब तक हो चुका है। तो अगर ये फिगर यहाँ पे देखिए 14 करोड़ का जो प्रॉफिट था, ये फिगर यहाँ पे 28, 30, 35 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलेगी अभी जब ईयर टू ईयर मार्च एंड के रिजल्ट आएंगे, तो जब यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा तो ये शेयर का प्राइस उछलेगा या नहीं उछलेगा, आप खुद सोचिए। शेयर के प्राइस में डेफिनेटली जंप देखने को मिलेगा अगर ये प्रॉफिट यहाँ पे 14 करोड़ जो मार्च 2018 का था, और आने वाले टाइम पे यही प्रॉफिट 35 करोड़ 40 करोड़ के अराउंड दिखेगा, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस विल जंप लाइक रॉकेट्स।
चलिए अब एक नज़र, जैसे मैंने आपको बताया इसके पैटर्न पे, तो ये बाइंग रेंज जो इसकी दिखती है तो अंडर 70 के नीचे जो भी एक बढ़िया बाइंग रेंज दिखती है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म हमारे पास चार्ट अवेलेबल नहीं है तो इतना हम कह नहीं सकते इसमें। इस हिसाब से यही एक बाइंग रेंज दिखती है। जॉइंट वेंचर है वारबर्ग के साथ, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।